दिन कही है गिरधारी हम कुंदनपुर से आए हैं। रुक्मिणी चरण की चेरी है, रुक्मिणी चरण की चेरी है, बाकू संदेशा लाए हैं। सुनिए ब्राह्मण ने कही है गिरधारी हम कुंदनपुर से आए हैं। रुक्मिणी चरण की चेरी है, बाको संदेशा लाए हैं। खुले शब्दों में बता दिया हम रुक्मिणी का प्रेम पत्र लेकर के आए हैं। पत्र पकड़ा दिया है, कन्हैया ने जब उस पत्र को पढ़ा जवाब दिया, क्यों पंडित जी तुमने समझाया नहीं रुक्मिणी को, इसमें तो सस्पाल आ चुका है ऐसा लिखा है। बोले हाँ आ गया है, तो जाओ उसे समझा देना सस्पाल के साथ में शादी कर ले और चली जाए। सस्पाल के साथ में शादी करके जाएगी तो रानी बजेगी रानी, और मेरे साथ में शादी करके आएगी तो ग्वालिनी कह के बुलाई जाएगी, समझा देना। पंडित जी कहने लगे कन्हैया मैंने बहुत समझाया लेकिन वो बिटिया नहीं मार रही है, एक भी बात नहीं मार रही है मेरी, तुम्हें चलना पड़ेगा। कन्हैया कहने लगे देखो पंडित जी हम ऐसे तो नहीं जा पाएंगे, यादव लोगों ने हमें बड़ा बदनाम कर दिया है, तुम जाओ मेरे भैया बलराम से जाकर के विदाई मांगो, जब सब यादव लोग तुम्हें विदा करने के लिए चलेंगे तो कोई उपाय हम जरूर सोचेंगे। तुम जाओ विदा करने जब चले सब लोग तब थोड़ी थोड़ी दूर चलना हो, तुम बैठ जाना और खांसने लगना, फिर हम तरीका ढूंढेंगे। ऐसा ही हुआ, जवाब दिया है चल देते हैं वो पंडित जी। बलराम से जाकर के कहने लगे भैया बलराम कन्हैया से मिलना था, मिल ली परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि सुनिए उत्तरानंदन परिचय। बलराम जब विदा कर